वेलकम टू GLM इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आपको हिकविजन SADP टूल कैसे यूज करना है वो बताया जा रहा है। दोस्तों, हिकविजन का SADP टूल एक ऐसा टूल है जो हिकविजन कंपनी के यानी अपने ही ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। सबसे पहले SADP टूल को आपने हिकविजन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रन कर रहा हूँ और आपको इसके फीचर्स बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर IP कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है सेम नेटवर्क में। एक बात पे विशेष ध्यान दीजिए, जैसे कि ये लैपटॉप हमारा GLM2 इस राउटर से कनेक्टेड है और इसी GLM2 राउटर से हिकविजन का IP कैमरा कनेक्टेड है, तो सेम नेटवर्क में हिकविजन कंपनी के जितने भी डिवाइस होंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल मैंने एक ही डिवाइस लगा रखा है जो कि IP कैमरा है, चाहे DVR हो सकता है चाहे NVR हो सकता है। अभी मैं सबसे पहले तो आपको इसका IP एड्रेस चेंज करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी यूज़ यहाँ पर यही है SADP टूल का कि IP एड्रेस को सर्च करना और उसको चेंज करना एज़ पर आवर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। और भी बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं बट प्राइमरी यूज़ यही है इसका। यहाँ पर मैंने इसके चेकबॉक आइकॉन को क्लिक किया और जैसे मुझे यहाँ पर IP रखना है 70 यानी कि 70। सो नेटवर्किंग में जब भी कोई नंबर आप किसी डिवाइस को असाइन करते हैं तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि जो नंबर हमें देना है, किसी डिवाइस को अलॉट करना है, क्या वो नंबर और किसी डिवाइस ने लिया है या नहीं। इसके लिए हम पिंग कमांड यूज़ करेंगे और IP एड्रेस टाइप करेंगे। ये वो IP एड्रेस होगा जो हम इस कैमरे को असाइन करने वाले हैं। क्लिक द एंटर बटन। पिंग 192.168.0.70, ये IP एड्रेस हमें कैमरे को असाइन करना है। ये देखिए, यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है यानी कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि ये IP एड्रेस हमारे पूरे नेटवर्क में कोई भी और डिवाइस ने नहीं लिया है, इसलिए हम इस कैमरे को ये IP असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टिक लगाना है और यहाँ पर 70 देना है। जैसे कि 70 हमने चेक किया कि कोई भी डिवाइस ने अभी तक नहीं लिया है, अवेलेबल है। पासवर्ड यहाँ पे टाइप कीजिए जो कोई भी आपने कैमरे का लगा रखा है, ABCD@123 रखा है मैंने। क्लिक द मॉडिफाई बटन और यहाँ पर पैरामीटर नोटिफिकेशन कंप्लीट, ये सक्सेसफुल का एक मैसेज आ चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक द रिफ्रेश बटन। ये देखिए, कैमरे का IP एड्रेस चेंज हो चुका है। तो कैमरे का IP एड्रेस किस तरह से चेंज करना है IP कैमरे का, वो हमने यहाँ पर जाना। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली ब्राउजर में कैमरे का IP एड्रेस टाइप करके भी कैमरे को ओपन कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, एड्रेस बार खोलना है और उसमें आपने या तो IE टैब पे या फिर डायरेक्टली यहाँ पर आप IP एड्रेस रन कर सकते हैं कैमरे का 192.168.0.70, ये IP एड्रेस कैमरे का था। इसको एंटर करेंगे। IP एड्रेस डालने के बाद में हम एंटर करेंगे और कैमरे के यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर टाइप करेंगे। तो कैमरे का यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड मैंने एडमिन, पासवर्ड ABCD@123 लगा रखा है। ये देखिए, और लॉगिन क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमारा कैमरा डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन हो चुका है। इस तरह से आप कैमरे को डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहां पर भी एक फीचर होता है कॉन्फ़िगरेशन में, इसके थ्रू भी आप कैमरे का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेटवर्क में जाना है, क्लिक द नेटवर्क ऑप्शन और यहां पर जो कोई भी IP एड्रेस आप रखना चाहे रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 72 लगाना है। टेस्ट यहां से भी आप कर सकते हैं, आपको CMD कमांड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर टेस्ट फीचर दिया है। यदि आप CMD से भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। द एड्रेस इज नॉट यूज्ड। अब मैं आपको CMD के थ्रू यही प्रोसेस वापस एक बार दिखा रहा हूं। पिंग 192.168.0.72, ये IP एड्रेस हम असाइन करना चाह रहे हैं कैमरे को। So this is our desired IP number we want to assign to camera. Here we checked destination host unreachable for this IP address. This is available and now we click here. अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सेव बटन पे।
और कैमरा रीस्टार्ट होगा और ये आईपी एड्रेस जो यहाँ पर हमने असाइन किया है 192.168.0.72 वो कैमरे को मिल जाएगा। सो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आईपी एड्रेस आप एसएडीपी टूल के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं और कैमरे के अंदर जाके यानी ब्राउजर में कैमरे का आईपी डाल के जब आप कैमरे को एक्सेस कर लेते हैं, एक्सेस करने के बाद भी आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। कैमरा रीस्टार्ट हो रहा है, वेट करेंगे तब तक। इट इज गेटिंग रीस्टार्टिंग। एंड अदर फीचर्स जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो गए जैसे इससे पहले के मैंने आपको वीडियो में बताए थे। DVR कॉन्फ़िगरेशन का भी जो वीडियो था SADP टूल के थ्रू जिस तरह से हमने DVR को एक्सेस किया था और उसके बाद में हमने IP एड्रेस चेंज करना, DVR को लाइव देखना ब्राउज़र में IP डाल के, एग्जैक्टली वैसे ही फीचर्स है। कुछ एक फीचर चेंजेस हैं क्योंकि ये IP कैमरा है। यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस 72 रन किया, देखते हैं। इस टैब को मैं क्लोज कर रहा हूँ और एक नया फ्रेश टैब ओपन करूँगा मैं सबसे पहले। तो सो आई एम ओपनिंग वन फ्रेश न्यू टैब। ये देखिए 192.168.0.72 से आईपी कैमरा लॉगिन हो रहा है यानी कि सक्सेसफुली आईपी एड्रेस चेंज हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं बट जैसे कि आपको पता है आज की जो क्लास है वो सिर्फ SADP टूल के ऊपर है इसलिए हम अदर फीचर्स के बारे में इन डेप्थ में आज बात नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। लोकल फीचर है, सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट फॉर पासवर्ड चेंजिंग और नया यूज़र भी यहाँ से बना सकते हैं। नेटवर्क में जाकर नेटवर्क के फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो यहाँ से, स्ट्रीम चेंजिंग, स्ट्रीम की क्या बिट लगानी है, रिजोल्यूशन वगैरह जो भी है स्ट्रीम से रिलेटेड सेटिंग है ये। इमेज सेटिंग में जाकर आप कलर सेटिंग वगैरह करना है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, शार्पनेस वो सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। इवेंट में आपको मोशन डिटेक्ट, वीडियो टेम्परिंग, एक्सेप्शन ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस फीचर में आपने ये जाना कि किस तरह से SADP टूल का प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है।